यही प्रिपरेशन के लिए सबसे ओवरलुक चीज क्या है? सिलेबस रिवीजन, मॉक टेस्ट, गाइड बुक्स? नहीं नहीं नहीं, इट्स टाइम मैनेजमेंट। यस बच्चों, ए प्रॉपरली मैनेज स्केड्यूल आपके एग्जाम प्रिपरेशन को मेक या ब्रेक कर सकता है। हाउ डू यू मेक द मोस्ट ऑफ योर लिमिटेड टाइम? चिंता मत करो, मैं हूं ना, क्योंकि आज मैं आपको टाइम मैनेजमेंट के ऐसे 3 टिप्स दूंगा जो आपकी जेई प्रिपरेशन को यहां से यहां लेके जाएगा। चलो फर्स्ट टेक्निक करते हैं, अपने रिमेनिंग टाइम को एफिशिएंटली स्पेंड करो। एट दिस स्टेज ऑफ योर प्रिपरेशन तुम्हारा एम होना चाहिए हाई बेनिफिट टॉपिक्स पे पहले टाइम स्पेंड करना और लो बेनिफिट टॉपिक्स पे लास्ट में टाइम स्पेंड करना। बट व्हाट डू आई मीन बाय लो बेनिफिट एंड हाई बेनिफिट? लेट मी एक्सप्लेन विद एन एग्जांपल। फिजिक्स के 2 टॉपिक्स पकड़ते हैं, ऑन वन हैंड वी हैव मैकेनिक्स और दूसरे साइड पे मॉडर्न फिजिक्स है। मैकेनिक्स का वॉल्यूम कुछ ऐसा होगा और मॉडर्न फिजिक्स कुछ इतने वॉल्यूम का होगा, मतलब मैकेनिक्स ऑलमोस्ट 10 गुना बड़ा है मॉडर्न फिजिक्स से। नाउ मॉडर्न फिजिक्स में जो क्वेश्चंस आते हैं वो रिपीटेटिव होते हैं और उनमें नंबर लाना ज्यादा आसान है क्योंकि क्वेश्चन इजी भी होते हैं कंपेयर टू मैकेनिक्स, जो कि वॉल्यूम भी ज्यादा है, आप मेहनत भी ज्यादा करोगे बट नंबर आने के चांसेस या प्रोबेबिलिटी कम होती है। तो बच्चों आरओआई किसमें है, मॉडर्न फिजिक्स या मैकेनिक्स? तो ऑब्वियसली मॉडर्न फिजिक्स। अब आप बोलोगे सर दोनों पे ही क्यों नहीं? बिकॉज आपके पास कॉन्स्टेंट टाइम है, तो इसीलिए इस समय आपके मेहनत का जो रिटर्न है वो किस पे ज्यादा होगा, मॉडर्न फिजिक्स या थर्मोडायनेमिक्स पे। इंपॉर्टेंट ये नहीं है कि टाइम स्पेंड कर रहे हो, इंपॉर्टेंट है कितना एफिशिएंटली अपने टाइम को इस्तेमाल कर रहे हो इस टाइम पे, क्योंकि लास्ट टाइम पे आपको बिल्कुल फोकस्ड रहना है और अपने टाइम को एफिशिएंटली इस्तेमाल करना है। समझ में आई ये बात? पहला टेक्निक, आपका टाइम बहुत कीमती है, इस समय फोकस्ड होना बहुत जरूरी है और ऐसे टॉपिक्स पे फोकस करना है जो आपको इस समय ज्यादा नंबर देगा कम मेहनत में। सेकेंड टेक्निक की बात करने से पहले हम 2 तरीके के बच्चों की बात करते हैं। पहले टाइप का बच्चा जो स्कूल जा रहा है और दूसरे टाइप का बच्चा जो स्कूल नहीं जा रहा है, मतलब डमी स्कूल सिस्टम में पढ़ाई कर रहा है। अगर कोई बच्चा स्कूल जा रहा है तो उसके पास सेल्फ स्टडी का टाइम, क्योंकि कोचिंग भी जाएगा स्कूल भी जाएगा, तो सेल्फ स्टडी का टाइम कितना हुआ, मैक्सिमम से मैक्सिमम 3 घंटे। और जो बच्चे डमी स्कूल में जा रहे हैं उनके पास सेल्फ स्टडी का टाइम कितना होगा, 6 घंटे से ज्यादा नहीं। इन 3 घंटे या 6 घंटे में आपको कितने सब्जेक्ट्स पढ़ने चाहिए इज माय सेकंड टेक्निक। बहुत सारे बच्चे हर रोज 3 सब्जेक्ट को पढ़ने की कोशिश करते हैं। अब मान लेते हैं अगर आप स्कूल जा रहे हो और कोचिंग भी जा रहे हो तो आपके पास 3 घंटे हैं और 3 सब्जेक्ट अगर कर रहे हो तो आपने 1-1 घंटा दिया। क्या होता है, देखो पहला सब्जेक्ट पिक किया, पन्ने पलटने में मैंने आधे टाइम बिता दिया और अगला आधे घंटे में मोमेंटम आपने जस्ट गेन करना शुरू ही किया था। अब क्या किया, ये बदला और एक दूसरी किताब उठाई, अब इसको पढ़ने लगे, सब्जेक्ट ही बदल गया। अगले 1 घंटे में जो शायद आपको मोमेंटम गेन होता और उसका फायदा मिलता वो आपको मिला ही नहीं, क्योंकि आपने सब्जेक्ट बदल दिया और इस सब्जेक्ट में भी वही रिपीट करोगे जो पहले सब्जेक्ट में किया। एंड दिस इज द मोस्ट इनएफिशिएंट वे ऑफ स्टडी। तो आपको क्या करना चाहिए, आपको एक्चुअली एक सब्जेक्ट में कम से कम 2 घंटा, बेस्ट होता है 3 घंटे देना, जिसमें पहला 1 घंटा आप थ्योरी को रिवाइज करोगे और अगले 2 घंटे में उसको भी 2 पार्ट में डिवाइड कर देंगे। अगले 1 घंटे में आपने कुछ क्वेश्चन सॉल्व किए, अगर फिजिक्स और मैथ्स है 20-25 क्वेश्चन, और अगर आपके पास केमिस्ट्री, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है तो 40 क्वेश्चन, अगर बायो के स्टूडेंट हो तो बायो में तो 50-100 क्वेश्चन तक भी सॉल्व कर सकते हो। आपने किया और उसके बाद अगला 1 घंटा उन क्वेश्चंस को रिवाइज करने में कि कहां गलती करी, किस टाइप की गलती करी, और जिसमें भी गलती करोगे उसकी थ्योरी दोबारा रिवाइज करने में। थ्योरी पढ़ी, क्वेश्चन सॉल्व किया और क्वेश्चन को रिवाइज किया। अगर आप ऐसा करते हो तो उस 3 घंटे को प्रॉपर्ली यूटिलाइज करोगे और 1 दिन में जो स्कूल जा रहे हैं बच्चे 1 सब्जेक्ट ही कर सकते हैं एट मैक्स, और जो बच्चे डमी स्कूल या डमी सिस्टम में है उन बच्चों के पास 6 घंटे होते तो 2 सब्जेक्ट के अलावा आप तीसरा सब्जेक्ट जब भी क्रैम करने की कोशिश करोगे तो दैट इज एन इनएफिशिएंट वे ऑफ स्टडी। अब लास्ट में आते हैं 3rd टेक्निक, जो कि सेकंड का ही कंटिन्यूएशन है। अब इस टेक्निक को बताने से पहले मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहूंगा, कितने बच्चे हो आप में से जो थ्योरी को बहुत पढ़ते हो, मतलब कॉपी खोल लिया और फिर से पलट पलट के थ्योरी 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 कर रहे हो? अगर आप ये बच्चे हो जो कि थ्योरी पे ज्यादा समय बिताते हो, बार बार अपने नोट्स कॉपी को रिवाइज करते हो, तो इस समय स्पेशली लास्ट के टाइम में दिस इज नॉट अ वेरी गुड टेक्निक।
तो हम क्या करते हैं, जब थ्योरी पे फोकस करते हैं तो हम उन्हीं एरियाज पे फोकस करते हैं जो हमारा कंफर्ट जोन है। बार बार हम उन्हीं चीजों को देख रहे होते हैं जो पहले भी पढ़ चुके हैं। एबिलिटी टू लर्न एनीथिंग न्यू वो कम हो जाती है। अब इसको क्या करना चाहिए, हम एक टॉपिक पे करते हैं। लेट्स से अभी मैंने मॉडर्न फिजिक्स की बात करी, तो मॉडर्न फिजिक्स में जल्दी से क्विकली आधे घंटे का रिविजन कर लो अपने नोट्स कॉपी से, दैट इज द बेस्ट वे टू रिवाइज। और अगर नोट्स कॉपी नहीं है तो कोई वन शॉट को फास्ट स्पीड पे आप देख लो यूट्यूब पे। अब उसके बाद इमीडिएटली आफ्टर दैट यू शुड जंप टू द क्वेश्चंस, और क्वेश्चंस को टाइम बाउंड फ्रेम में आपको सॉल्व करना। जैसे भी आप टेस्ट में जाके करते हो वैसे करो, और उसके बाद उसके आंसर्स देखो कि कौन से सही है और कौन से गलत, क्योंकि इन्हीं क्वेश्चन से आपकी असली लर्निंग होगी बच्चों। ऐसा करने से आपका मेमोरी रिटेंशन, मतलब जो भी टॉपिक्स आपने पढ़ा है इस तरीके से, वो ज्यादा देर तक रिटेन होगा। आपका सबकॉन्शियस पार्ट जो एक्टिव रहता है वो ट्रेंड रहेगा, और आपके सिली मिस्टेक करने के चांसेस भी कम हो जाएंगे। तो बच्चों ये थी टाइम मैनेजमेंट की तीन टेक्निक्स, अभी आप इनको अप्लाई कीजिए और इंप्रूव कीजिए अपने जेई रिवीजन को। मेरी तरफ से लॉट्स ऑफ लव एंड ब्लेसिंग्स टू ऑल ऑफ यू।